मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस टेक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोल जी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त भूतपूर्व सैनिक जयदेव सिंह की बातें, और जयदेव सिंह रुके हुए हैं कैंची धाम में। कैंची धाम में वो अपने संस्मरण शेयर करते हैं, बताते हैं कि जब हम सर्विस में थे तो मेरी तैनाती हर समय खतरे की जगह की गई। जहां जहां खतरा या जहां जहां युद्ध होने की संभावना, और युद्धों में भी वो भाग लिए हैं। तो कहते कि जब भी मुझे भेजा गया लेकिन मुझे डर नहीं लगा कभी भी। मैं कर्तव्य निष्ठ होकर मैं अपना काम कर पाया, लेकिन कभी कभी ये लगता था कि इस मोर्चे से अब घर वापसी कभी नहीं होगी। एक जगह ऐसा हुआ कि युद्ध चल रहा था, ऊपर से शत्रु का विमान बमबारी कर रहा था। हमारे साथी जो थे, हमारी बटालियन के जो अधिकांश लोग शहीद हो चुके थे और जो शेष थे वो घायल हो चुके थे। मैं इधर से उधर अपने करके और गोलीबारी कर रहा था, लेकिन मुझे भी मालूम था कि मैं अब बच के नहीं जाऊंगा। हुआ क्या, उसी समय महाराज जी की आवाज सुनाई पड़ती है, डटे रहो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और मैं अपनी ड्यूटी को पूरा अंजाम देता रहा वहां पर, और बमों की बरसात हमारे बिल्कुल नजदीक होती रही। कुछ घायल साथियों के बीच मैं सुरक्षित बना रहा। जब मैं गोली चलाता था अपनी तरफ से तो महाराज जी की छवि लगती थी मेरे पास ही खड़ी, मेरी सहायता कर रही है कि आवाज मेरे कानों में स्पष्ट गूंजती थी। तो कई बार उन्होंने हमको जीवन दान दिया है। लोग हमारी बात पर विश्वास करें या न करें, जयदेव सिंह कहते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है। लोग यकीन करें न करें इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे तो लोगों का काम है कहना, ये बहुत प्रसिद्ध गीत है। तो उसका हवाला देते हुए वो कहते हैं कि हमने अपनी बीती, अपने साथ जो अनुभव हुए वो मैंने शेयर किए हैं, अब लोग विश्वास करें या न करें। तो जयदेव सिंह बताते हैं कि जिंदगी में जब जब खतरे आए, जब जब लगा जीवन चला जाएगा, मैंने अपने को मृत जो सैनिक होते थे उनमें गिन लिया करता था, इसके बावजूद भी हमें जीवन दान महाराज जी देते रहे। मुझे तो जब सेवानिवृत्त के बाद याद आया कि मैं शहीद कैसे हो सकता था। मुझे तो महाराज जी ने कहा था कि सेवानिवृत्त हो जाओ तब दर्शन के लिए आना। बाद में समझ में आता ना, महाराज जी कृपा करते हैं और भक्तों को किसी भी संकट से उबारने के लिए वो दौड़े चले आते हैं। तो पूरा विश्वास जयदेव सिंह को है और पूरा विश्वास हमें और आपको है। इसी विश्वास को सलाम करते हुए आपसे आज विदा लेता हूं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।